अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज मैं बना रही हूँ शेल शेप्ड सैंडविचेस। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में इनको प्रिपेयर करूँगी और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम डो प्रिपेयर कर लेंगे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 टीस्पून शुगर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल और 1/2 कप मिल्क। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल में ऐड कर देंगे मिल्क। मिल्क हमारे पास है नीम गरम। इसमें ऐड कर देंगे ईस्ट, शुगर। अच्छे से विस्क कर लेंगे इसको। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। साथ ही ऐड कर देंगे सॉल्ट। अब ऐड कर देंगे इसमें मैदा। पहले इसको स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसका हाथ से डो प्रिपेयर करेंगे। देखिए डो प्रिपेयर हो गया है। अब हम इस पे अच्छे से ऑयल लगा देंगे और बोल की जो वॉल्स हैं उस पे भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। क्लिंग रैपिंग शीट से इसको कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए इसको हम राइज होने के लिए छोड़ देंगे। अब शेल के अंदर जो पर्ल होता है हम वो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए लेंगे हम आलू। ये है तकरीबन 1 स्मॉल साइज़ का आलू। इसको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। 1/4 टीस्पून हमारे पास है पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई गाजर। देखिए इसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमारे पास बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून है बंद गोभी, इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून है बॉयल श्रेडेड चिकन, 1/4 टीस्पून है हमारे पास चिकन पाउडर। इसमें ऐड करेंगे हम गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, बॉयल श्रेडेड चिकन, चिकन पाउडर, सॉल्ट, इसी काली मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब जो मेजरिंग स्पून होता है उससे हम 1 ही साइज़ के तमाम बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने तमाम बॉल्स प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम इसे कोट करेंगे, अंडे में डिप करेंगे। पहले ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। देखिए अच्छे से कोट हो गया है। बाकी भी इसी तरह कोट कर लेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि सभी चीज़ें इसमें कुक हैं। चिकन भी बॉइल्ड है और पोटैटो भी बॉइल्ड है। बस इस पे जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इस पे गोल्डन कलर आया है। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे स्प्रेड। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई बंद गोभी, 1 बॉयल अंडा, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 स्मॉल साइज़ का बॉयल पोटैटो है, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप है हमारे पास मेयोनीज, 2 टेबल स्पून बटर, 1 कप है बॉयल श्रेडेड चिकन, 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ऑरिगानो पाउडर। बोल में ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी, बॉयल अंडा, बॉयल श्रेडेड चिकन, बॉयल मैश्ड पोटैटो, इसी काली मिर्च, ऑरिगानो पाउडर, सॉल्ट, चिकन पाउडर, मेयोनीज। और बटर। तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हमारा यमी सा स्प्रेड तैयार है। देखिए 2 घंटे हो गए हैं और हमारा डो बहुत अच्छे से राइज हुआ है। रैपिंग शीट रिमूव करेंगे और इसको अगेन एक दफ़ा हम नीट कर लेंगे ताकि एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। अब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 पेड़ा और अब हम इसको मज़ीद 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि जब हम 2 पेड़ों को डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में तो टोटल 8 पार्ट्स हो जाएंगे इसके। अब हम इसकी बॉल्स प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए मैंने प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम 1 बॉल लेंगे, इस पर थोड़ा सा मैंने स्प्रेड किया है मैदा, इसको हम बेल लेंगे। देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब हम इसको स्क्वायर शेप में ले लेंगे। इसकी साइड्स को हम रिमूव कर देंगे पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से, या आप किसी नाइफ से भी रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ से हम साइड में भी इसके 2 कट्स इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से कुछ इसका शेप हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास है पाइपिंग बैग में जो नोज़ल्स मिलते हैं, उसमें से 1 नोज़ल लेंगे, उसकी हेल्प से मैं इसके एजेस को इस तरह से कट लगा लूँगी। अब यहाँ से हम इसका एक साइड पिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 प्लेट दे देंगे इस तरह से। सेम प्रोसीजर इस साइड से भी करेंगे, इसको पिक करेंगे और 1 प्लेट दे देंगे, जिससे कि इसका शेप बिल्कुल शेल की तरह से हो जाएगा। देखिए अब मैं स्टिक की हेल्प से इस पे मार्क्स लगा लूँगी, जैसा कि आपने अक्सर शेल्स पे देखा होगा मार्क्स होते हैं, और ये एक प्रॉपर हमारा शेल शेप बन तैयार है। इसको हम प्लेस कर देंगे बटर पेपर पे। देखिए यहाँ पे मैंने 3 बना लिए हैं, इसको हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे। देखिए 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इस पे करेंगे एग ब्रश। अब इस पे स्प्रिंकल करेंगे काले तिल, सफ़ेद तिल। अब हम इसको बेक कर लेंगे। अवन मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। इनको बेक करेंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। देखिए तकरीबन 25 मिनट्स हो गए हैं और बंस बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए इनको निकाल के कपड़े में कवर करके रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट रहें। बाकी भी हम इसी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। शेल शेप सैंडविचेस बनाने के लिए हमें चाहिए पल्स, शेल शेप बंस और हमारा स्प्रेड। देखिए कितना खूबसूरत हमारे प्रिपेयर हुए हैं। अब मैं इसको नाइफ की हेल्प से कट कर लूँगी। बहुत ध्यान से आपने कट करना है, क्योंकि जो इसके हमने एजेस कट किए थे वो कहीं टूट ना जाएं, तो आप ख्याल रखिएगा। अब हम स्प्रेड लेंगे, इस पर तकरीबन 1 टेबल स्पून, अच्छे से दोनों पार्ट्स पर लगा लेंगे और इसके सेंटर में हम ये जो हमने बॉल प्रिपेयर किए है इसको रख देंगे। और देखिए कितने यमी हमारे शेल शेप सैंडविचेस तैयार हुए हैं। इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का, यमी शेल शेप सैंडविचेस तैयार हैं। अंबर को भी बुलाते हैं कि वो आए और आके टेस्ट करें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज, आज हमें शुमाइला ने पहुंचा दिया है बिल्कुल सी के बीचों बीच और शुमाइला ने प्रिपेयर की है शेल सैंडविचेस। और ये देखिए कितने अमेजिंग लग रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं शुमाइला। इसकी मैं स्ट्रक्चर देख रही हूँ बस, कितना प्यारा इसका टेक्स्चर है और इसके अंदर का जो वो तुमने पर्ल टाइप की चीज़ बनाई है वो कितनी खूबसूरत लग रही है। गाइस दिखने में बहुत खूबसूरत है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। ओ वाह, कितना वेल बेक्ड है। देखिए पल देखे अंदर। अब टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा हम शेल को दबा के खाएंगे। सही है भाई? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा मोती का है
ओ कितना प्यारा लग रहा है, मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, तो पालाशा लग रहा है ये तो, देखे बहुत खूबसूरत लग रहा है बड़ा। और देखिए गाइस, एक होता है कि आप कैनवस पे अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे, लेकिन जब ये क्रिएटिविटी प्लेटर पे उतरती है तो यकीन करें दिल बाग बाग हो जाता है। तो शुमाइला ने वही क्रिएटिविटी जो इसके अंदर एक आर्ट है वो इसने अपने प्लेटर में भी शो किया और आज इसकी डिश में भी नज़र आ रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना खूबसूरत सा ये सैंडविच तैयार हुआ है। अब मैं इसका टेस्ट भी आपको बताती हूँ। ये देखिए रियलिटी में ऐसा है, ये इतना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। वाह शुमाइला, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छे तरीके से ये ब्रेड बेक हुआ हुआ है, और जो पर्ल था उसके अंदर आलू है, चिकन है, और जो स्प्रेड बिछाया था, यकीन जानो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको इतना डिलेक्टेबल बना रही है, इतना डिलिशियस बना रही है, खाते ही मज़ा आया। ये हेवनली बाइट था गाइस। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, इट्स अ वंडरफुल रेसिपी, और दूसरा खूबसूरत भी बहुत है। आई होप आपको मेरी अच्छी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, देखिए मैं मसरूफ हूँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। ये माइंड ब्लोइंग रेसिपी है, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, आपको खा के बहुत मजा आने वाला है और आप कहेंगे वाह, खाने से पहले आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।